हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मित्तल टेक्निकल्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों की परेशानी आती है कि वो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स तो डाल रहे हैं लेकिन उनके साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर अनलिमिटेड ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, रेड आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक अपनी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, सॉरी, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये है वेबसाइट का नाम, मैं आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ एक बार। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, 10khits.com, ये वो वेबसाइट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये वेबसाइट काम कैसे करती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट खोलनी है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे कि आपको खोलने में ईजी हो उसमें। उससे अब आपको करना क्या है, आपको इस साइट में लॉगिन करना है। आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप साइन अप कर लीजिए। मैंने अकाउंट बना रखा है इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैं अपनी डिटेल इसमें फिल कर देता हूँ। देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट डाली, अब मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। जी, मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया और मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया। जैसे मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन होगी और मुझे डैशबोर्ड पर डाल देगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, मैं आपको साथ ही में इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट खोल के, उसका ट्रैफिक भी दिखाऊंगा आपको जो जनरली लोग दिखाते नहीं हैं। तो मैं आपको साइट का ट्रैफिक भी दिखाता हूँ, मेरे कौन से आर्टिकल पे कौन सा ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आया हुआ है। तो आपको मैं अब इसका फ़ायदा बता देता हूँ इसमें क्या है। तो दोस्तों, ये साइट्स होती हैं, ये आपके जो वेबसाइट होती है आपकी या ब्लॉग होता है उस पर अनलिमिटेड ट्रैफिक भेजती है। वो कैसे भेजती है, अब मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट का काम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ओवरव्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है पूरा। उसके बाद नीचे ऑप्शन है वेबसाइट का, फिर हिस्ट्री का, सपोर्ट का और रेफरल का। तो रेफरल का मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मैंने रेफर पर क्लिक किया। मैं जैसे रेफर पर क्लिक करता हूँ, आप किसी को अपना रेफर कोड देंगे तो आपको उसका 5% कमीशन मिलेगा। जो आप का रेफर कोड यूज़ करके अगर इस अकाउंट अगर इस साइट में अकाउंट बनाता है तो आपको उसका 5% कमीशन पॉइंट मिलेंगे। तो रेफर का यही, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है मेरा रेफर कोड जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये मेरा रेफर कोड है। तो अगर आप इससे ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे 5% कमीशन पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद करना क्या है आपको, आपको अपनी वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं। ये मैंने अपनी वेबसाइट को इससे लिंक कराया हुआ है तो आप इसमें, आपको तीन स्लॉट मिलते हैं और मैंने तीनों को इसमें एंटर कराया हुआ है। तो हमें करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना एक स्लॉट डिलीट कर देता हूँ। चलिए, मैंने अपनी वेबसाइट इसको डिलीट कर दिया, ये यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट होने के बाद हमें करना क्या है, हमें ऐड साइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये ऐड साइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड साइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना साइट का यूआरएल डालना है। जी हाँ दोस्तों, यूआरएल डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपनी साइट का ओपन करता हूँ, देखिए मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी। जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं अपना कोई एक आर्टिकल ओपन करूँगा। आर्टिकल ओपन करने के बाद मैं उसका यूआरएल वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए, ये मेरा फर्स्ट आर्टिकल है तो मैंने इसको ओपन किया। जैसे ओपन करता हूँ मैं इसको, देखिए ये ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन हो गया है और मेरा ये ऊपर यूआरएल आ चुका है। तो मैं इस जस्ट सिंपली इस यूआरएल को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी 10khits वाली साइट पर जाके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कोई ऑप्शन में कुछ नहीं करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज चूज वन कॉन्टेंट स्क्रीनिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे बड़ा करके। ये देखिए, आपको ये कंटेंट स्क्रीनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको चूज़ करना है, इसको क्लिक करना है और आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, सेव फॉर वर्क, दिस कंटेंट ऑन दिस पेज इज सेव फॉर वर्क, ये आपको करना है।
जैसे ही आप इसको करते हैं उसके बाद आपको अपनी साइट पे ऐड साइट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी ऐड साइट पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरी साइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये मेरी साइट ऐड हो चुकी है। और अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इसको जस्ट सेलेक्ट करना है। और आप इसमें सर्फ नाउ का ऑप्शन देख रहे हैं जो ग्रीन में है, सर्फ नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्फ नाउ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये प्रोसेसिंग लेगी। अब ये प्रोसेस होता रहेगा, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, आप देखिए ऐसा ऐसा पेज खुला है आपका। अब आपको एक ग्रीन कलर का सर्फ नाउ का दोबारा बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका न्यू टैब में एक पेज ओपन होगा। और आप देखिए आपका ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका ये प्रोसेसिंग चालू है, ये आपका प्रोसेसिंग चालू है। आपका ये प्रोसेसिंग चलता रहेगा और आपके साइट पर अनलिमिटेड ट्रैफिक जाता रहेगा। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपना ब्लॉग खोल के आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक पोस्ट पे जो मैंने किया था उसमें कितने पेज व्यूज़ आ गए हैं मेरे, कितना ट्रैफिक आया है। मैंने ज़्यादा देर नहीं किया था इसलिए मेरा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और रो के कंपेरिजन मेरा कितना ट्रैफिक आया था। देखिए मैंने अपना ब्लॉग खोल लिया है, ब्लॉग खोलने के मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मेरे नॉर्मली साइट पे 28, 13, 14 यही वाले इतने ही ट्रैफिक रहते हैं। जो और मैंने जब ये यूज़ किया था 10K हिट्स, तो आप देख सकते हैं मेरी साइट पे कितना ट्रैफिक आ गया था। देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरी साइट में आया था 437। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मेरे साइट पे 437 आ गया था 10K हिट्स यूज़ करने के बाद। और जनरली आप देखेंगे मेरी साइट पे इतना ट्रैफिक नहीं है, तो क्योंकि मैं रेगुलरली साइट को अपडेट नहीं करता इतनी, तो मेरे साइट पे इतना ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मैंने यूज़ करे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं 142 और 96, मैंने ये आर्टिकल भी इसमें यूज़ किए थे जिसने मुझे इतना ट्रैफिक दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी साइट ऐड करनी है और आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक इस साइट से लेना है। और अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। आप यहाँ पे रेड में अपग्रेड का ऑप्शन देख रहे हैं, अब यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट को जितना चाहें आप। ये देखिए आपको यहाँ पे एक फ्री वर्ज़न दिख रहा है, जो हम फ्री वर्ज़न अभी यूज़ कर रहे हैं। आप अगर बिजनेस वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आपको $29 देना पड़ेगा, और आपको एक प्रो वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आपको $10 देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अपना अकाउंट अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी साइट है दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ इसको पर्सनली, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। मेरा 437 का मेरा ट्रैफिक आया था उस पर जो मैंने इसको यूज़ किया था। तो इसका फ़ायदा एक दोस्तों ये है, मान लीजिए आपने अपना ब्लॉग बनाया और उस पर आप अच्छे से आर्टिकल भी डाल रहे हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं आ पा रहा, पेज व्यूज़ नहीं आ पा रहे, तो आप करेंगे क्या? अब आपको उससे आपकी अर्निंग होगी नहीं। आपको गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाने के लिए गूगल एडसेंस मांगता है कि आपकी कम से कम भी 10 से 12 आर्टिकल आपके उस पर होने चाहिए एक तो वेबसाइट पे, और उसके बाद आपका ट्रैफिक आना चाहिए। जब आपका ट्रैफिक आएगा तब वो गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और वो अप्रूव करेगा। तो सबसे बढ़िया गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाने का टेक्निक यही है कि आप अनलिमिटेड अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आएँ, अब ये साइट यूज़ करें। मैं कुछ और साइट्स भी आपको बताऊंगा, एक साइट और है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो साइट भी मैं आपको अगली वीडियोस में जल्दी बनाऊंगा मैं अगली वीडियो, और वो भी आपको बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करना है उसको। तब तक आप 10K हिट्स को यूज़ करिए, बहुत अच्छी साइट है दोस्तों। देखिए मेरा 1.6 पॉइंट्स अर्न, मेरे जितने ऐसे पॉइंट्स अर्न होते रहे हैं और ट्रैफिक मेरी साइट में जा रहा है खुद ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नए ब्लॉगर हैं, जो जिसने नई वेबसाइट बनाई है, जिसको जिसकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो और वो इसको यूज़ करके अपनी साइट पे अनलिमिटेड ट्रैफिक ले सके और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सके और अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।